राधे राधे से बच्चों को। सो इस बार जिस बच्चे ने भी SBI PO प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है तो कितने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनने वाली है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख लेना, और अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो इस बार की SBI PO प्रीलिम्स की कितनी कट ऑफ जा सकती है 2023 की, वो देखने वाले हैं। तो चलते हैं कट ऑफ की तरफ फ्रेंड्स। सो इस बार की अगर मैं बात करूं ऑल चिप की डिफिकल्ट लेवल की, तो जो डिफिकल्ट लेवल था वो मॉडरेट था, चाहे मैं रीजनिंग की बात कर लूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लूं, चाहे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लूं, ओवरऑल मॉडरेट पेपर बनाया गया था। और इसमें आपका जो गुड अटेम्प्ट था ना वो क्या रहता, वो रहता है आपका 60-65, जो हमें फीडबैक मिला है। तो बच्चे के अकॉर्डिंगली 60-65 विद 90% एक्यूरेसी के साथ आपका ये गुड अटेम्प्ट होने वाला है। अगर आपने इस बीच में अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी 90% के आसपास जारी थी, तो डेफिनेटली इस बारी का आपका SBI PO प्रीलिम्स निकलने वाला है, कोई डिफिकल्टीज नहीं आने वाली है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की कट ऑफ की, 2022 की प्रीलिम्स की कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पे, जनरल वालों के लिए 59.50 गई थी 100 में से। तो 60% मार्क्स चाहिए चाहिए जनरल वाले को। अगर आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली ये एग्जाम आप क्वालिफाई करके आगे जाने वाले हैं। वहीं पे SC की बात करूं, आप यहाँ देख सकते हो 52.50 चाहिए थे लास्ट ईयर, और वहीं ST की बात करें 47.75 चाहिए थे लास्ट ईयर, और वहीं OBC दे सकते हो 58.25 आपको मार्क्स की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम लास्ट ईयर, और वहीं EWS वालों को दे सकते हो 59.50 लास्ट ईयर की कट ऑफ रही थी। तो इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो भी इसी की हेरफेर में रहेगी, 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है हमारी जनरल कैटेगरी से अगर आप आ रहे हो तो 59 से 62 के बीच में, अगर आप 58 से 62 के बीच में अगर नंबर लेके आ रहे हो तो आप डेफिनेटली इस बारी का प्रीलिम्स निकालने वाले हैं, PO का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप EWS से आ रहे हो तो 55 से 59 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाने वाले हो। अगर आप OBC कैटेगरी से आ रहे हो तो 54 से 59 के बीच में, अगर आप 100 में से 54 या 59 के बीच में इसमें कहीं भी आपके नंबर लाए करते हैं तो डेफिनेटली आप इस बारी का प्रीलिम्स निकालने वाले हैं। अगर आप SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो 100 में से आपको 50 और 53 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपका बहुत नियर होगा ये एग्जाम क्वालिफाई होने के। अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो उसको कितनी मार्क्स रिक्वायरमेंट रहेगी, 45 से 48 के बीच में, अगर आप इस बीच में नंबर लेके आ रहे हो डेफिनेटली आप ये एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं। अगर जो नया स्टूडेंट पेपर देना चाहता है तो प्रीलिम्स में 100 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के 35 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन रहते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं और आपको 20 मिनट मिलते हैं, मतलब कि ओवरऑल 1 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और इसमें इसमें अब इसमें मतलब आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 60% मार्क्स की रहती है जनरल वालों को। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी नया बच्चा ये एग्जाम देना चाहता है तो उसको कैसे तैयारी करनी होगी इसके लिए, कम से कम नहीं तो 70 से 80% के अगर आप लेके चलते 70-75% लेके चलते हैं कि आप इतने मार्क्स लेके आओगे अपने किसमें जो भी आप टेस्ट लगाते हो उसके अंदर, तो डेफिनेटली आप प्रीलिम्स निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि IIT के जो बच्चे होते हैं ना, IIT के जो बच्चे होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस होती है कौन सी, SBI PO, IBBS PO, क्योंकि इसके अंदर जो सैलरी होती है वो तकरीबन आपकी 56,000 के आसपास मिलती है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, व्हाइट कलर जॉब होती है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सैलरी की बात कर रखी है, कैसे कैसे सैलरी मिलती है, उसका मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वो भी दे सकते हो। तो इसलिए जो भी IIT का बच्चा होता है ना वो पहली प्रेफरेंस अगर उसको सरकारी जॉब की भरनी होती है तो वो इसी को भरता है, तो इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो नॉर्मल बच्चे के लिए निकालना बहुत टफ हो जाता है, तो अगर आप ऐसी जॉब निकालना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। तो अगर आपकी एज, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर ग्रेजुएशन करने का आपका मन है सरकारी जॉब निकालने का, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, इन 3 टॉपिक पे होना चाहिए, इन 3 टॉपिक में कैसे मार्क्स को गेन किया जाए और आप PO विद इन 1 साल के अंदर निकाल के ये जॉब लेके चले जाएं और अपनी लाइफ सेट कर लें। ठीक है, सो कोशिश आपको क्या करनी है, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के अंदर अपने आप को इतना अच्छा बना लेना है कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो है आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके मेंस में चले जाएं। ठीक है, सो इस तरह की फ्रेंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच रहे हैं। राधे राधे, धन्यवाद फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।